सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वो बेल बटन को दबा दीजिए ताकि आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आए। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप Amazon UAE में आप एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन कर सकते हैं। मैंने UAE का पोर्टल ही ओपन किया हुआ है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं आपको एडवर्टाइजमेंट में आपको जाना है और कैंपेन एडवर्टाइजमेंट पे आपको क्लिक करना है। अभी देखिए कुछ ऑफर चल रहा है, आप Amazon पे फर्स्ट टाइम कैंपेन रन करेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है AD 150 इन फ्री क्लिक्स व्हेन यू स्टार्ट। तो 150 AD अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो टू USD में मैं अगर डालता हूँ इक्वल टू $40, तो $40 का आपको फ्री क्रेडिट मिलेगा। आप यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं। पे आ रहा है क्रिएट योर ओन कैंपेन, ठीक है, क्रिएट अ कैंपेन इन जस्ट 5 मिनट्स, तो इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप इस पेज पे आ गए। अब यहाँ से मैं आपको बताता हूँ कैसे आप एडवर्टाइजमेंट रन करेंगे। देखिए कैंपेन का नाम आप चेंज कर सकते हैं, आप ऐसा कुछ कैंपेन का नेम रखिए ताकि आप रिकॉल कर सकें। लेट सपोज मैं यहाँ पे लेदर वॉलेट डाल देता हूँ। स्टार्ट डेट इसमें आज की मैं ले लेता हूँ, एंड डेट जो है ये मैं अभी ब्लैंक छोड़ देता हूँ। अब मैनुअली भी इसको कभी भी बंद कर सकते हैं, और एडवर्टाइजमेंट में आपको हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बेनिफिट होता है। सो अभी यहाँ पे नो एंड डेट मैं रख देता हूँ। यहाँ पे डेली बजट मुझे डालना है कि मैं कितना बजट यहाँ पे डेली का मैं यहाँ पे डालना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे डेली का बजट मैं डाल सकता हूँ, कितना मुझे डालना है, या मिनिमम बता रहा है ये 4 दिरहम डाल सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो लेट सपोज यहाँ पे मैं 8 दिरहम डाल रहा हूँ, तो ये इक्वलेंट टू ऑलमोस्ट $2 के आसपास होता है। तो ये मैंने डेली का बजट यहाँ पे रखा हुआ है। देखिए इस पे क्वेश्चन मार्क पे आप ले जाएंगे तो ये आपको डिस्क्रिप्शन भी बताएगा कि यहाँ पे क्या इसका मतलब है। तो डेली का बजट डालने का क्या मतलब है कि सिंपल सा, ये जो मैंने बजट डाला है, जब ये बजट एग्जॉस्ट हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर डे के लिए मेरी एडवर्टाइजमेंट जो है बंद हो जाएगी। तो लेट सपोज अगर डे टाइम में मेरा 3 PM पे बजट ये वाला एग्जॉस्ट हो जाता है उस पर्टिकुलर डे पे, तो उस पर्टिकुलर डे पे मेरी एडवर्टाइजमेंट वहीं पे स्टॉप हो जाएगी। एंड फिर नेक्स्ट डे जब रात 12 बजे से स्टार्ट होगा सो उस टाइम से मेरी नेक्स्ट डे की एडवर्टाइजमेंट फिर चालू हो जाएगी, और फिर वो नेक्स्ट डे का बजट जो है वो यहाँ पे मेंशन है। तो ये डेली बजट है यहाँ पे, इससे मेरा बजट भी कंट्रोल में रहेगा और वेस्टेज नहीं होगा। सो बजट को मैं बाद में इंक्रीज भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दो एडवर्टाइजमेंट है, ऑटोमेटिक मैनुअल। ऑटोमेटिक में Amazon डिसाइड करता है किस कीवर्ड्स पे एडवर्टाइजमेंट रन करेगी, मैनुअल में आप डिसाइड करते हैं कि कौन से कीवर्ड्स पे एडवर्टाइजमेंट रन होगी। सो मैनुअल जो है आपको मैनुअल पे ही चलाना चाहिए, क्योंकि Amazon जो है ऑटोमेटिक में बहुत सारे इररिलेवेंट कीवर्ड्स पे भी आपकी एड्स को दिखाएगा, बट मैनुअल में आप रिलेवेंट कीवर्ड्स डालेंगे। आप कीवर्ड्स को बाद में बढ़ा भी सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। जिन कीवर्ड्स पे सेल आएगी उसका आप पर बिट कॉस्ट को बढ़ा सकते हैं, जिस पे सेल नहीं आएगी, सिर्फ क्लिक्स हो रहे हैं और कन्वर्जन नहीं आ रहा है, तो उनको आप डिलीट भी कर सकते हैं और उनका पर क्लिक कॉस्ट भी आप कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने मैनुअल ले लिया है। ये एक कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी है, इसमें 3 चीजें हैं Amazon आपको बोल रहा है। ये आप जब रन करेंगे तो लर्न मोर पे जाके आप इसको स्टडी भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 5 रुपीज में INR में बात करता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए, अगर मैं 5 रुपीज पर क्लिक की बात करता हूँ, तो यहाँ पे Amazon ऐसा कह रहा है कि अगर Amazon जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करता है, अगर Amazon को लगता है बायर परचेस नहीं करने वाला है, तो अगर मैंने 5 रुपीज पर क्लिक बिडिंग दी हुई है यहाँ पे, तो वो उसको 2 रुपीज या 3 रुपीज पर क्लिक पे कम लेके आएगा ताकि मेरा बजट वेस्ट ना हो, अगर Amazon को लगता है कि बायर जो है वो मेरा प्रोडक्ट परचेस नहीं करने वाला। इसमें सेम इस वाले में डाउन करके लेके जाएगा। अब लेट सपोज मैंने 5 रुपीज पर बिड दिया हुआ है, तो यहाँ पे वो 5 रुपीज को बढ़ा भी सकता है अप टू 100%, 10 रुपीज तक ले जा सकता है, और उसको कम भी कर सकता है। जो Amazon डिसाइड करेगा वो ये चीज करेगा। थर्ड ऑप्शन क्या है, अगर मैंने 5 रुपीज पर क्लिक दिया हुआ है कॉस्ट, मैं 5 रुपीज पर क्लिक पे करने के लिए रेडी हूँ, तो उसको वो फिक्स्ड 5 रुपीज पे ही रखेगा, ना उसको कम करेगा ना उसको वो ज्यादा करेगा। तो बेस्ट आपके लिए पहला वाला ऑप्शन है या फिर लास्ट वाला ऑप्शन है। इसमें क्या होगा, कंट्रोल आपके हाथ में नहीं रहेगा, इन दोनों में आपके हाथ में कंट्रोल रहेगा। सो ये जो पर क्लिक कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ बार बार, ये अभी आगे आपको डालना पड़ेगा कि आप हर क्लिक पे कितना पे करने के लिए रेडी हैं। देखिए आप जब कीवर्ड्स के अगेंस्ट बिडिंग देंगे, आप हर कीवर्ड के अगेंस्ट आप डालेंगे 5 रुपीज, किसी के अगेंस्ट 10 रुपीज, तो जब कस्टमर उस
उस पर क्लिक करेगा प्रोडक्ट पे, तभी वो आपको बिल होगा, नहीं तो आपको वो बिल नहीं होगा। इसको मैं डिटेल में आगे और बताता हूँ आपको। एड ग्रुप नेम्स आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं, इसको वैसे ही रहने देते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट देखना है कौन सा प्रोडक्ट आप ऐड करना चाहेंगे। तो लेट सपोज मैं एक प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजमेंट रन करता हूँ, इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। तो ये प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे जस्ट ऐड कर लिया है। अब मैं नीचे जाता हूँ। यू कैन ऐड मल्टीपल एड ग्रुप्स टू योर कैंपेन बट यू कैन चूज ओनली वन टारगेटिंग टाइप। अभी आप कीवर्ड्स पे भी एडवर्टाइजमेंट चला सकते हैं, आप प्रोडक्ट को भी टारगेट कर सकते हैं, आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को आप टारगेट कर सकते हैं। जहाँ पे उसका प्रोडक्ट दिखेगा, आपने जो प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है वहाँ वहाँ पे आपका प्रोडक्ट भी दिखेगा। बट बेस्ट ऑप्शन क्या है, कीवर्ड टारगेटिंग पे आपको काम करना चाहिए, उससे आपके पास ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। तो ये मैंने कीवर्ड टारगेटिंग सेलेक्ट किया हुआ है। अब मुझे डिसाइड करना है कौन से कीवर्ड्स में मैं ऐड चलाना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सजेस्टेड बिड आ रही है, ये अमेजोन सजेशन दे रहा है, ठीक है। अब जो कीवर्ड्स मैं सिलेक्ट करूँगा, मैं यहाँ से ऐसे ऐसे सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये कीवर्ड जो जो मैं ऐड कर रहा हूँ वो यहाँ पे ऐड होते जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं, ब्रॉड फ्रेज एंड एग्जैक्ट। हर कीवर्ड यहाँ पे थ्री टाइप से ऐड हो रहा है। इनका क्या मतलब है, देखिए ब्रॉड में क्या है, अगर मैंने जनरल नोटबुक ही सिलेक्ट किया है तो ब्रॉड में क्या होगा, ये ब्रॉड मैच होगा। अगर कोई सर्च कर रहा है लेट सपोज मैन नोटबुक, तो नोटबुक नोटबुक कॉमन हो जाएगा, ब्रॉड कैटेगरी में मैच हो जाएगा और मेरा प्रोडक्ट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, अगर कोई कीवर्ड ऐसे बायर डाल के सर्च कर रहा है। एग्जैक्ट में क्या होगा, जब वो एग्जैक्ट यही स्पेलिंग टाइप करेगा, इसी सीक्वेंस में टाइप करेगा, तभी मेरा प्रोडक्ट सर्च में आएगा और रिफ्लेक्ट होगा। सो इसमें एग्जैक्ट में ऑर्डर्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर बायर ने एग्जैक्ट वही फीचर वही सर्च किया है तो आपका प्रोडक्ट वहाँ पे विजिबल हो जाएगा। और फ्रेज इन दोनों के बीच का होता है। अब यहाँ से पर क्लिक जो मैं बिट की बार बार बात कर रहा था, इसको आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। मिनिमम और डिफॉल्ट बिट ये यहाँ पे बता रहे हैं जो हमने सेलेक्ट किया था, अब ये भी इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपको और कम करना है तो आप इसको और कम भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बिट्स को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, नेगेटिव कैंपेन। नेगेटिव में वो आपको कीवर्ड्स डालने हैं जिन कीवर्ड्स पे अगर बायर सर्च करता है तो आपका प्रोडक्ट आप चाहते हैं कि रिफ्लेक्ट ना हो वहाँ पे। अब जैसे ये लेदर जनरल है, बट मैं चाहता हूँ कि अगर कोई स्कूल बुक सर्च कर रहा है तो वहाँ पे मेरा प्रोडक्ट जो है वो रिफ्लेक्ट ना हो, सो मैं ये नेगेटिव एग्जैक्ट में डालूंगा। देखिए यहाँ ब्रॉड का ऑप्शन भी नहीं दिया इनने, क्योंकि ब्रॉड में बहुत सारी चीज़ें मैच हो जाती हैं, तो उसमें ऐसा होगा कि जो प्रोडक्ट जो आपका और ऑडियंस है उसको भी प्रोडक्ट नहीं दिखेगा, इसलिए एग्जैक्ट में ही आपको डालना है, आपको फ्रेज भी सिलेक्ट नहीं करना। मैंने स्कूल बुक ले लिया और इसको मैंने ऐड कर दिया। नेगेटिव कीवर्ड में स्कूल बुक ऐड हो गया। ऐसे आप मल्टीपल आप कीवर्ड्स डाल सकते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स, जहाँ पे आपको प्रोडक्ट नहीं दिखाना है। तो आप कोई स्कूल बुक सर्च कर रहा है तो वहाँ पे मेरा ये लेदर डायरी रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। सो ये मैंने ऐड कर लिया। अब मैं यहाँ से लॉन्च कैंपेन कर दूंगा। जैसे मैंने कैंपेन लॉन्च किया तो देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन योर कैंपेन लॉन्च सक्सेसफुली। सो आप उसको समराइज में भी वे में देख सकते हैं और ऐसे आप कैंपेन रन कर सकते हैं। कैंपेन आप ऐसे रन कर सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी चीज़ है डिटेल में। इसमें आपको अभी जो कैंपेन आप रन करेंगे इसकी आप रिपोर्ट पुल कर सकते हैं, आप कीवर्ड्स को स्टडी कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स पे ऑर्डर आ रहे हैं वो कीवर्ड्स की आप पर बिडिंग कॉस्ट बढ़ा सकते हैं, कितने नहीं आ रहे हैं उनको आप कम कर सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ आपको बेसिक एडवर्टाइजमेंट कैंपेन रन करना यहाँ पे बताया। तो चलो फ्रेंड्स, बस यही इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, ये वीडियो मैं यहीं क्लोज करता हूँ। ओके, बाय बाय। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है हमारी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ई कॉमर्स एक्सपोर्ट की ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए, तो आप मेरी वेबसाइट ankitsau.com विजिट कर सकते हैं। नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टीम आपको पूरा सिलेबस बताएगी, फीस स्ट्रक्चर बताएगी, क्या टाइम पीरियड है, नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट हो रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी।